महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के परिवार में छिड़ी जंग में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जयदेव ठाकरे ने पिता बाल ठाकरे की बनाई वसीयत को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है। जयदेव ने कोर्ट में ऐश्वर्य को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है। अब तक सब यही जानते हैं कि ऐश्वर्य जयदेव और उनकी दूसरी पत्नी स्मिता का बेटा है। खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले बाल ठाकरे के निधन के 4 साल बाद उनके बेटे जयदेव ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। ठाकरे परिवार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जयदेव ने बेटे ऐश्वर्य को अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जयदेव ठाकरे के इस खुलासे के बाद अदालत ने जयदेव ठाकरे का आगे का बयान इन कैमरा यानी बंद कोर्टरूम के अंदर लिया। इस अदालती कार्रवाई से पत्रकारों को भी दूर रखा गया, क्योंकि जयदेव ठाकरे के बयान में ठाकरे परिवार के संपत्ति विवाद के साथ साथ पारिवारिक विवाद के भी कई खुलासे हो रहे थे। अदालत ये नहीं चाहती थी कि ठाकरे परिवार की ये बातें सार्वजनिक हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि एक पिता ने अपने बेटे पर ही सवाल उठा दिए? 12 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे के निधन से करीब 1.5 साल पहले बाल ठाकरे ने वकील आदिक शिरोडकर, पारिवारिक डॉक्टर जलील पराकर और शिवसेना नेता अनिल परब की मौजूदगी में वसीयत बनाई थी। मन में ऐसा है कि उनका पिताजी उनके खिलाफ इतना बड़ा नाइंसाफी नहीं करेगा और जरूर इसमें कुछ दाल में काला है। जो तारीख बताता है विल में, तभी साहब का तबीयत बहुत ही डाउन था और वो होशो हवास में नहीं था, तो इस हालात में ऐसे डिटेल में विल लिखना नामुमकिन है। और दूसरी बात उनका यह कहना कि वो भी बेटा है जैसे उद्धव बेटा है, तो इनके ऊपर और उनके बीच में इतना बड़ा कुछ झगड़ा नहीं हुआ कि कुछ गलतफहमी नहीं थी कि इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़े। वसीयत में बाल ठाकरे ने अपनी पूरी जायदाद यहाँ तक कि मातोश्री बंगला भी उद्धव ठाकरे के नाम कर दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना राजनीतिक वारिस भी बनाया। जायदाद में बाल ठाकरे ने जयदेव ठाकरे के नाम कुछ नहीं किया। इसी को जयदेव ठाकरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में जयदेव ने आरोप लगाया कि उनके भाई उद्धव ठाकरे के दबाव में आकर बाल ठाकरे ने ये वसीयत बनाई। हाईकोर्ट में जयदेव ठाकरे ने कहा है, मेरे पिता बाला साहब ठाकरे मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा देने वाले थे। साल 2011 में उन्होंने खुद ये बात मुझसे कही थी और उद्धव से इस बात का जिक्र नहीं करने को कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उद्धव और मुझ में संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो। लेकिन उद्धव ने उनसे कुछ कागजात पर पहले ही दस्तखत ले लिए थे और बाला साहब को उन कागजात की कोई जानकारी नहीं थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान जयदेव ठाकरे ने अदालत को बताया कि मातोश्री इस घर को बनाने में उनका भी योगदान था। बांद्रा के कलानगर स्थित मातोश्री ये बंगला बाल ठाकरे का निवास स्थान था, जहां फिलहाल उद्धव ठाकरे उनका परिवार रहता है। इस इमारत की निचली मंजिल पर बाल ठाकरे ने शिवसेना का अपना कार्यालय बनाया था, जबकि अपनी वसीयत में इस इमारत की पूरी पहली मंजिल अपने पोते ऐश्वर्या के नाम किया है। बाल ठाकरे और उनकी पत्नी मीना ठाकरे के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव की सड़क हादसे में मौत हुई थी। बिंदु माधव की शादी माधवी से हुई और उनके 2 बच्चे नेहा और निहार हैं। बाल ठाकरे के 2 बेटे जयदेव हैं। जयदेव की 3 शादियां हुई। पहली पत्नी जयश्री से उनका 1 बेटा जयदीप है। दूसरी पत्नी स्मिता से 2 बेटे राहुल और ऐश्वर्य हैं, जबकि तीसरी पत्नी अनुराधा से 1 बेटी माधुरी है। उद्धव ठाकरे की शादी रश्मि से हुई और उनके 2 बेटे आदित्य और तेजस हैं। लेकिन नया ट्विस्ट यह है कि जयदेव ठाकरे ऐश्वर्या को अपना बेटा नहीं मानते। जयदेव ठाकरे ने साल 1997 में स्मिता ठाकरे से अलग होकर 3री शादी कर ली थी और तब से ही मातोश्री से अलग रहने लगे थे। जयदेव ठाकरे साल 1997 में स्मिता ठाकरे से अलग हो गए थे, लेकिन दोनों का तलाक साल 2004 में हुआ था। जब उसने कहा कि जो ऐश्वर्या जो है, जिसको सब लोग मानते थे कल तक वो उनका बेटा है, उसने कहा कि वो हमारा बेटा नहीं है। जयदेव ने अदालत में गवाही के दौरान आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने धोखे से पिता बाल ठाकरे के वसीयत पर दस्तखत ले लिए। जयदेव के मुताबिक बाल ठाकरे चाहते थे कि वो उनकी राजनीतिक विरासत संभालें। हाईकोर्ट में जयदेव ने संपत्ति में दावेदारी के लिए जो खुलासा किया, उसके समर्थन में कुछ ऐसी गवाही भी दी है। मातोश्री बंगले में हम सब एक साथ रहते थे। पहली मंजिल पर बाला साहब और माँ रहती थीं। उनके बगल में ही मैं अपनी पूर्व पत्नी स्मिता के साथ रहता था। दूसरी मंजिल पर बिंदु माधव रहता था और बंगले की छत पर उद्धव के लिए एक कमरा बनाया गया था।
सबके कमरे भले ही अलग अलग थे लेकिन किचन एक ही था, सब एक साथ रहते थे। किसी वजह से मैंने मातोश्री छोड़ने का फैसला कर लिया। वो क्या वजह थी ये मैं सबके सामने नहीं बता सकता, लेकिन इस बात का मेरे पिता बाला साहब ठाकरे से कोई लेना देना नहीं है। मातोश्री छोड़ने के बाद भी मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था। मेरे मातोश्री छोड़ने के बाद स्मिता भी मातोश्री से बाहर निकल गई। बाहर उसने अपना नया घर ले लिया, लेकिन उसके बाद भी वो मातोश्री जाया करती थी। इसी आधार पर जयदेव ठाकरे ने मातोश्री पर अपने दावेदारी की है। उनकी दलील है कि जब ऐश्वर्या उनका बेटा ही नहीं है तो मातोश्री में उसका हक कैसे हो सकता है। बाल ठाकरे संपत्ति विवाद में जयदेव ठाकरे के इस खुलासे ने नया मोड़ ले लिया है। बाल ठाकरे संपत्ति विवाद के अलावा अब सवालों के घेरे में है ठाकरे खानदान, क्योंकि जयदेव ठाकरे के बयान ने अपने ही बेटे और पत्नी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।